तो भाई लोग ये देखिए उजाला पूरी तरीके से हो चुका है और ये टोक बकरा मंडी से सेकंड पार्ट है और एक बेहतरीन क्वालिटी दिखाने वाला हूँ भाई। माशाल्लाह देखिए चीज देखिए अंडुल में इतना बेहतरीन और इतनी हाइट, कितनी हाइट होगी भाई इसकी? 44 इंच के आसपास, शायद 43 इंच के आसपास तो शायद इसकी हाइट होगी 100%। और बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। क्या नाम है भाई आपका? किशन नाम है। कहाँ से? कौन से गाँव से? पनाला डूंगर से। तो कितने दांत पर है भाई आपका बकरा? दांत मत दिखाओ लेकिन इसे बोल दो। 6 दांत है। चलो तो जो भी होगा। और वजन भाई अंदाजन 85 kg के आसपास खड़ा बॉडी वेट होगा इसका इंशाल्लाह, इतना तो होना ही चाहिए, होगा चाचा 85 kg के आसपास तो, या ज्यादा हो सकता है? और डिमांड क्या है भाई आपकी इसकी? डिमांड इसकी 35,000 है। 35,000 भाई की डिमांड है भाई। डिमांड खेर इनकी, लेकिन मुझे अच्छा लगा बच्चा, छोटे कानों पर है लेकिन बहुत खूबसूरत है। और देख सकते हैं भाई काफ़ी, जैसा कि मैं बोल रहा था कि बहुत माल है मंडी में, सेकंड पार्ट जरूर देखिए। तो रिंकू भाई भी आ गए भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो रिंकू भाई थोड़ा कुछ आप भी दिखा दो, फर्स्ट पार्ट में तो आप गायब थे, खरीदी में लगे हुए थे भाई, कोई पार्टी को माल दिलाना था तो दिला दिया भाई रिंकू भाई पार्टी को माल। कितने नग दिलाए? 40 नग दिलाए। 40 नग, चलो अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। चलो देखते हैं भाई और कुछ भी देख लेते हैं, इधर चलते हैं। एक ये बेहतरीन क्वालिटी का मुंडा बच्चा देखिए भाई, माशाल्लाह गुजरी है। एक मिनट छोड़ो तो भाई इसको नीचे, इस वाले बच्चे को। कितने महीने का होगा भाई ये? अरे तुम्हारा दिमाग चल गया यार, ये करीबन 1 महीने से ज्यादा का बच्चा नहीं है, 1 महीने का बच्चा है। अरे एक महीने थोड़ा सा ऊपर मान लो, 5-6 महीने बता रहा भाई। चलो चलो तो जो भी है ठीक है। क्या डिमांड आपकी इसकी? 6,000 मांग रहे इसके। तो भाई कुछ ऐसे लोग भी आते हैं मंडी में, देख सकते हैं भाई, बड़े बड़े बकरों के 7,000-8,000 पब्लिक मांग रही है, भाई छोटे बच्चे के 6,000 मांग रहा है। तो सब तरह के लोग हैं, फिलहाल अपना काम रहता है वीडियो दिखाना। एक देखिए भाई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन क्वालिटी के अबलग बच्चा दिखाओ भाई, ये एक मिनट दिखाओ तो भाई, एक मिनट भाई भाई एक मिनट, बहुत प्यारी चीज है यार, उठाओ उठाओ उठाओ, माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है यार। किसका है भाई? किसका है ये? क्या नाम है तेरा? सोनू। कहाँ से आए हो भाई? जंगल से। जंगल से। क्या है डिमांड बच्चे की? इसकी 4,500 है। 4,500? भाई छोटे हैं ये, पलने वाले नहीं है, देखो इसमें परेशान होना है ये बच्चों को पालना, क्योंकि बहुत छोटे रहते हैं तो पालने में काफी दिक्कत आती है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह देखिए करोली, देखिए बच्चे की हाइट और लेंथ देखिए बच्चे की। करोली कौन सा रिंगू? छोटा करोली ना। किसका ये? क्या मांग रहे हो भाई इसके? सुरेश है। सुरेश। तो भैया सुरेश जी से पूछेंगे पहले, क्या मांग रहे हो सुरेश जी इसके? इसकी 14,000 मांग रहे। कितने? 14,000। तो ये करोली देख सकते हैं, 14,000 डिमांड है। और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के माल आते हैं भाई। एक देखिए भाई, जो चीज मैं बोल रहा था कि बहुत कमी से देखने को मिलती है अबलग, ये देखिए भाई वो बच्चा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, इस क्वालिटी की बोल रहा था भाई मैं कि बहुत कमी से देखने को मिलता है रिंकू भाई। और ये सिर्फ टोक में देखने को मिलता है, माल आने लग गया माशाल्लाह, देख सकते हैं मंडी का माहौल है तो काफी माल है। ये बच्चा जिसकी मैं बोल रहा था भाई, काफी टाइम बाद देखने को मिला टोक मंडी में, ये जो अबलग बोलते हैं गुजरी, इंशाल्लाह देखते हैं और क्या क्या है, पूरी देखे जरूर। हो भाई काफी माल है देखो, और आज मौसम भी काफी सर्द है भाई, धूप नहीं निकली तो सर्दी की वजह से भी कुछ जानवर भाई ठंडा रहता है, लेकिन इंशाल्लाह जब बाड़े पे जाएगा तो जब चरेगा तो अच्छा दिखेगा। एक ही देखिए कोटा करोली, एक ही हमारे पुराने हमारे भाई और हमारे दोस्त भी, ये चंदेल भाई, आज टोक मंडी में इन्होंने बुलाया भाई फोन करके कि भाई अच्छी मंडी लगने लग गई आप टोक आओ। तो चंदेल भाई कुछ जानकारी दो, टाइमिंग वही है सुबह 5 से? वही सवेरे 5 बजे से, सुबह 5 से 2। तो क्या लाए भाई चंदेल आज? माशाल्लाह अच्छे हैं बकरे दोनों, कोटा है अदन देना। और दोनों की डिमांड क्या है? 21,000 रुपये डिमांड है। तो भाई बहुत प्यारी चीज है, अगर चंदेल भाई नहीं बिकते हैं ये बकरे, जैसे बाई चांस बिक अल्लाह करे बिक जाएगी सारा माल, लेकिन अगर जैसे रखते हैं कोई पार्टी बोलती है, वीडियो में बोला तो आप तो क्या मेरे परिचित हो, मेरे पास नंबर है आपके,
तो फोन कर लूँगा, अगर किसी को चाहिए हुआ तो वीडियो में इंशाल्लाह, कि नहीं तो शनिवार को आप कोटा होगी सही। तो भाई ये पांचवा पार्ट, ये पांचवा सेक्शन है, क्योंकि मंडी काफ़ी बड़े स्तर पे है, और देखते हैं भाई कुछ क्या क्या मिलता है इंशाल्लाह देखने को। काफ़ी माल है भाई, बहुत माल है मंडी में। एक ये देखो भाई गुजरी, गुजरी तो भाई टोक मंडी फेमस है, और कोटा भी बहुत अच्छा आता है। क्या मांग रहे हो भाई इसके, इस बच्चे के, इसके एक बच्चे के 14,000। और अदंत है दांत में बच्चा, अदंत बच्चा है तो भाई, प्यारा बच्चा है, 14,000 डिमांड में मांगने को तो खैर मांगते हैं यहाँ पे, मांगने को तो मांगते हैं। ये क्या ज्ञापन है के बेला है, बकरी बेला है, देखिए भाई कितनी बड़ी फ्रेम में है बेला बकरी। तो भाई एक से बढ़ के एक क्वालिटी देखने को मिलती है, और अल्लाह का शुक्र है भाई काफ़ी दिनों बाद टोक में आया हूँ, लेकिन अच्छा हुआ टोक मंडी लगने लगी, क्योंकि भाई रेट में जानवर मिल जाता है इस मंडी में। देखिए पूरी की पूरी पट्टी है, एक देखिए एक सौदा दिखाता हूँ मीट पर्पज से, ये देखिए सारे नगे, कितने नगे भाई इसमें, ये 15 नगे, और उसमें भाई वजन बता दूँ 55 किलो वाला भी है, 40 किलो वाला भी है, और 45 किलो, हर तरह का बॉडी वेट वाला पकड़ा है। तो पट्टी किस हिसाब से भाई है, ये 16,000 के दाम की है, 16,000 के दाम से पट्टी है भाई, दाम थोड़े ज़्यादा हैं आपके। तो चलो भाई इनकी चीज़ है मांग रहे, लेकिन मेरे को तो थोड़े ज़्यादा लगे, तो ज़रूर आए भाई देख सकते हैं, अगर किसी भी पर्पज़ से पालने वाला हो या मीट पर्पज़ से हो तो टोक में ज़रूर आए, देख सकते हैं क्वालिटी। ठीक है देखिए कोटा ब्राउन और वाइट स्पॉट में है, देखिए चीज किसका भाई बकरा है। अच्छा चलो भाई इसका जो धनी है वो यहाँ पे नहीं है, एक ये सेकंड देखिए, एक ये थर्ड है, एक ये मुंडा देखिए ब्लैक। और चाचा आगे वो सर्दी आ रहा है, सर्दी आ, तो ये हमारे परिचित है भाई, कितने 5 नगे हैं, क्या है इनकी डिमांड सबकी, इनकी डिमांड तो भाई 13,000। तो कितने कितने बॉडी वेट पे हो गए खड़े जिंदा वेट पर, ये जिंदा वेट जो हमारा 25 किलो, नहीं जिंदा वेट कितना होगा, 50-55 वाले हैं कि 45, 50-50 किलो के आसपास है भाई, भारी बकरे हैं। तो भाई क्या चीज़, दो बड़े बकरे हैं इंशाल्लाह भी देखेंगे वो भी, फिलहाल कुछ चीज़ें दिखा दूँ मैं। तो भाई इस वाले सेक्शन में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला, इंशाल्लाह को सिरोही देख लेते हैं, फिर वापस अपन फोर्थ सेक्शन में चलेंगे। चलो देखते हैं भाई कोटा है माशाल्लाह, देखिए बच्चा देखिए भाई, कान इधर करो तो उसका, बच्चा प्यारा है भाई माशाल्लाह, अच्छे कलर में है। क्या है भाई इसकी डिमांड, इसकी डिमांड क्या, 12,500। देखिए भाई माशाल्लाह वाजी, चलो हमारे ये भाई फिर देखो भाई, बहुत दिनों बाद दीदार हुए हमारे भाई के, कब से लग रही चंदेल भाई टोक मंडी दो तीन हफ्ते हो गए ना शायद, अब परमानेंट यहीं रहेगी कि यहाँ से भी जाएगी, यहीं रहेगी ना परमानेंट। तो भाई पता है टोक का, टोक से अंदर माधोपुर रोड पे मेन रोड पे लग रही है 4 किलोमीटर के अंदर आसपास। चंदेल भाई क्या लाया हुआ आज, कितने नगे आपके पास, ये भी कितने हैं, 5 नग। तो चंदेल भाई इंशाल्लाह इनके पास पर्सनली जाके बात करेंगे कभी, काफ़ी माल लाते हैं और अच्छी रेट में माल देते हैं। तो क्या चंदेल भाई रेट वेट क्या रखी इनकी, 12,000 की पट्टी मांग रहे हो आज, तो भाई फुल रेट में माल है। ठीक है भाई भी अच्छी पैसे मांग रहा है बकरे के, थोड़े खुर सेट होंगे इस बकरे के। तो चलो फोर्थ सेक्शन में चल के भाई देखते हैं क्या क्या है। एक ये सिरोए की जिसकी मैं बोल रहा था उसको भी दिखा देता हूँ, देखिए भाई बच्चा, देखिए बच्चे का फ्लेवर, अच्छी क्वालिटी का माल है भैया और रेट में है। देखिए देखो भाई लोग पट्टी है, इसमें कोटा है, मालवा है और करोली है। तो गाइज इन चीज़ों में भी अच्छी जो पालन की चीज़ें रहती है वो पट्टी की रेट में आ जाती हैं। जैसे कि मैं बोल रहा था भाई सारे पालन के अगर लेंगे तो छांट के तो उसकी रेट अलग होती है, लेकिन अगर जब पूरी पट्टी लेते हैं ना तो इसमें पालने वाली चीज़ भी निकलती है। ये इनके बेचने का रूल रहता है, अगर पट्टी से लोगे तो रेट में आएगा, वरना सिंगल छांटोगे तो रेट डबल कर देते हैं। तो भाई लोग ये आज टोंक से लाइव अपडेट थी, सेकेंड पार्ट था,
इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक कभी मौका मिला तो जरूर अपडेट दूंगा इस मंडी की, फिलहाल जो थी आपके सामने है। तो भाई लोग दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।